धमतरी जिले के ग्राम नारी में ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष का शव गांव में संदिग्ध अवस्था में मिलने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में परिजन और साहू समाज के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है और इसी के चलते आज मृतक के परिजन और समाज के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और मामले की बारीकी से जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बताया जा रहा है कि ननकू राम साहू ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष था, जिसका शव 17 सितंबर को गांव में संदिग्ध अवस्था में मिला था। इस मामले को 2 माह होने के बाद भी अभी तक पुलिस कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। ऐसे में परिजन और समाज के लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी पुलिस प्रशासन को दी है। बहरहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि घटना को लेकर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। नारी गांव में घटनाक्रम हुआ था करीब 2 माह पहले। उस संबंध में परिजनों को और ग्रामवासियों को कुछ शंकाएं थी, तो उस शंका के संबंध में आज चर्चा हुई है और उन लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जो कुछ भी उनकी शंकाएं हैं उस संबंध में विधिवत कार्रवाई करेगी। जी, ग्रामीण ने अपनी शंकाएं बताई हैं, उस संबंध में उनसे बोला गया है कि जो कुछ भी उन लोगों में सक्षम हो तो पूरी कार्रवाई को समझ सकते हो, उनको हम पूरा बताएंगे कि किस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की है और उसके बाद भी अगर वो किसी दिशा में बढ़ना चाहेंगे तो हम उनका सहयोग करेंगे। मतलब पति की हत्या हो है करेंगे हैं से है, हमें पुलिस वाले मन का नाम बोले हैं तो पुरुष थाना में तो कुछ मन हो मन हजार पटा को वही दिन के रही से वह तो पता नहीं कहाँ करे तो जो है बोले हम कि कुछ नहीं करा तो मन है अमन है तो जो भी यही करे कर बोल रहे हैं, लेकिन वो मन है नाम दर सब बोल रहे हैं हम, बाकी वो मन कुछ नहीं कर पा थे वह तेजी से तभी तो ये सब करे है भाई, दुश्मन लगा करे है भाई, हत्या करे है भाई, खेत में सो लाए गए रही से। ग्राम विकास समिति के प्रमुख थे, साहू समाज के भी पदाधिकारी थे ननकू राम साहू जी। 2-3 महीने पूर्व उसकी हास्यास्पद ढंग से उसकी मृत्यु हुई थी, जिसे छानबीन में पूरे ग्रामीण ग्रामवासी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए आज एसपी साहब से हम सब मुलाकात करने आए हैं। और मुलाकात करने का यही कारण था कि जो छानबीन हो रहा है उससे संतुष्ट तो नहीं है, है ना। सभी ग्रामीणों का यही मानना है कि ये हत्या की रूप हत्या है, आत्महत्या नहीं हो सकता।